हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी सही होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन पर। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों, बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब की माप के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दो है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, स्टेथोस्कोप आपने सभी ने सुना होगा, जो डॉक्टर हृदय की धड़कन मापते हैं उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीन है, कार्डियोग्राम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों, कार्डियोग्राम का प्रयोग हृदय की गति की जांच के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चार है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर पाँच है, मैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मैनोमीटर का प्रयोग पौधों की जड़ों के दाब की माप के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर छः है, रेन गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रेन गेज का प्रयोग वर्षा की माप नापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सात है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आठ है, फैदोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर आठवा का आंसर है दोस्तों, समुद्र की गहराई मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर नौ है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति तथा गति की माप के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दस है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों, हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल की आर्द्रता की माप के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ग्यारह है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप मापी यंत्र के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर बारह है, सेक्सटेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सेक्सटेंट का प्रयोग दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तेरह है, एमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एमीटर का प्रयोग पहियों द्वारा तय की गई दूरी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चौदह है, क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग पौधों की वृद्धि की माप के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर पंद्रह है, टेकोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो टेकोमीटर का प्रयोग वायुयान की गति मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सोलह है, सिफगमोमैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सिफगमोमैनोमीटर का प्रयोग रक्त दाब का माप लेने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।